ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के द्वारा आज पटना जंक्शन पर प्रदर्शन किया गया। यूनियन के कर्मचारियों ने अपने यूनियन के वरीय अधिकारियों के फोन टैपिंग करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहीं यूनियन के महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव ने यह बताया कि आज यूनियन धिक्कार दिवस मना रहा है। हमारे यूनियन के आला अधिकारियों को फोन टैपिंग किया जा रहा है, वहीं रेलवे के निजीकरण का भी विरोध किया गया। आज का क्या था प्रोग्राम? आज का क्या प्रोग्राम? आज हम लोगों ने पूरे भारतीय रेलवे पर धिक्कार दिवस मनाया है, जो हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री साथी शिव गोपाल मिश्रा जी का फोन का जासूसी हो रहा था। इन सारे सवालों को लेकर हम लोगों ने धिक्कार दिवस मनाया है और हमारी जो रेल से संबंधित मामला है उसको भी उजागर करने का काम किया है। चाहे रेल के कार्यों को ठेके पर देना जाए, चाहे वो रेलगाड़ियों बेचने का बात हो, रेलवे स्टेशन बेचने का बात हो, प्रोडक्शन यूनिट को प्राइवेटाइज करने की बात हो, इन सारे सवालों को हम लोगों ने रेलवे मजदूर के बीच में रखा है और रेलवे मजदूरों को आगे आंदोलन के लिए तैयार रहने का निर्देशित करने का काम जी। अपना परिचय दे दीजिए। एसएनपी श्रीवास्तव, महामंत्री ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन। जोर जुलूम के टक्कर में लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जोर जुलूम के टक्कर में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो मजदूरों के सवालों पर, मजदूरों की मांगों को लेकर जो लड़ाई होगी उसमें आप आगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब टैपिंग करना बंद करो, जासूसी करना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद। हड़ताल में उससे बड़े हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों ने, जो पटना के साथियों ने अधिकार दिवस में ज्यादा से ज्यादा रेल मजदूरों ने हमारी बहने में शामिल होने का काम किया।